ये क्या है सर? ये तो पान और बिरयानी सप्लाई कर रहा था। नहीं रवि, शहर में चल रही है ड्रग्स की कोड लैंग्वेज है। सारे बड़े बड़े बाप के शहजादों के नाम है इसमें। सर, हेलो सर, गुड मॉर्निंग सर, मैं गजबोली से करीम बोल रहा हूँ। हाँ बोलो सर। वो ORR में एक बड़ा एक्सीडेंट हुआ है, ड्राइवर स्पॉट पर ही मर गया। ओके सर, उस ड्राइवर के मोबाइल में शहर में ड्रग डीलिंग होने के क्लियर प्रूफ्स हैं सर। किसी को मत छोड़ना और स्ट्रिक्टली इंक्वायरी करो, किसी से डरना मत, मैं साथ हूँ तुम्हारे। लेकिन सर, इसमें ड्रग डीलर के साथ ज्यादा मैसेजेस आपके बेटे पृथ्वी के साथ ही हैं। सर क्या करना है? मीडिया पहुंच गई वहां। ब्रेकिंग न्यूज, शमशाबाद के नजदीक एक भयानक रोड एक्सीडेंट। लॉरी से टकराई कार। सर तुम तुरंत फोन छुपा दो, लगता है अभी मीडिया के पास कोई और खबर नहीं है। एज अर्ली एज पॉसिबल किसी दूसरे इश्यू पर टॉपिक डाइवर्ट करो। ओके सर।
वरुण जी हेलो। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार। नमस्ते नमस्ते। आराम से उठो। सुंदर लग रही है। वो लोग आ गए। चलो चलो। हाँ चलो देखते हैं कौन है। अरे हाँ आओ ना संध्या। आओ ये मेरी पत्नी है संध्या। नमस्कार। और ये मेरा बेटा विजय। नमस्ते। तो अनिल भाई साहब सब कुछ ठीक है ना? मुझे पर्सनली बात करनी है। बेटी इनको बालकनी में ले जाओ। तुम आपसे बात करनी है। बेटी तुम अंदर जाओ। क्या हुआ जी? तुम सब भी अंदर जाओ, जल्दी करो। चलो बेटा। देखिए भाई साहब, घर के मसले घर में ही सुलझा लेने चाहिए, यहाँ ये सब करने की क्या जरूरत है? आपका बेटा किसी से प्यार करता है, बोल रहा है शादी के लिए होटल भी बुक कर लिया है। नहीं खाइए। हाँ ठीक है। डैड अंकल आपसे बात करना चाहते हैं। हेलो। ये पता चलते ही मुझे भी आप ही की तरह फील हुआ, लेकिन वो अपनी अरेंजमेंट्स खुद ही करना चाहते हैं। हमें बिना बताए तुम दोनों ने ये सब प्लान कर लिया। हम बड़े हैं तो हमें ही अपनी इज्जत का ख्याल रखना होगा। इज्जत के साथ सिक्योरिटी भी बहुत जरूरी है। मेरा बेटा एंट्रेंस के लिए तैयारी कर रहा है, वो उसे क्लियर कर लेगा। वो तो बाद की बात है, शादी अभी करवानी है तो अभी क्या करेंगे? ओके ओके ओके। भाई साहब 5 साल में मैं रिटायर हो जाऊंगा फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया से। सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब है। मैं अर्ली वॉलंटियरी रिटायरमेंट के लिए अप्लाई कर दूंगा और वो जॉब अपने बेटे को दिला दूंगा। बोलिए मंजूर है? मैं आखिर उनकी जॉब क्यों करूंगा माँ? क्या सही है क्या गलत है वो सब जानते हैं, तुम उन्हें मत टोको। हम दोनों को तो पार्टी भी चले। सर ओके। ये सारी मेडिकल रिपोर्ट्स जो दी हैं प्रॉपर है ना? प्रॉपर है। मूर्ति जी। सर बोलिए सर। अनिल कुमार जी की फाइल को थोड़ा फास्ट प्रोसेस कीजिए। जी सर करवाता हूँ। ठीक है। ओके सर। ओके। क्या कर रहे हो? सुपरमार्केट में हूँ। लगता है तुम्हारे पापा सरकारी नौकरी वाले को ही अपनी बेटी देंगे। अच्छा दहेज कितना देंगे? लड़की के साथ दहेज भी चाहिए? और नहीं तो क्या? ठीक है तो मेरे नाम से एक चिप्स का पैकेट खरीद लो। ठीक है तो शाम को पार्टी करें क्या? एक हफ्ते में हमारी शादी है। शादी से पहले लड़की का इस तरह घूमना ठीक नहीं। एक मिनट मैं तुम्हें कॉल बैक करता हूँ। हेलो। हाँ पापा। सब ले लिया ना? हाँ सब कुछ ले लिया। कितने लोगों के लिए? आपको मिला के 11 लोगों के लिए। अरे तुम्हारे दोस्तों का क्या? आपकी फेयरवेल पार्टी है पापा, वो लोग क्यों आएंगे? आप अपने दोस्त बुलाइए, मैं उन्हें कहीं बाहर खिला दूंगा। ठीक है। ओके पापा बाय। थैंक्स थैंक्स। नहीं कोई बात नहीं। सर
ये क्या हो रहा है सर? एक दो रुपए के मुनाफे के लिए बैंक के पैसे बाहर क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं? प्रवीण, इतने सालों से कर रहे हैं, आज तक कभी कुछ हुआ? काम होने वाला है, तू चिंता मत कर। अब आपके पास सिर्फ और सिर्फ 2 घंटे बचे हैं सर। एटीएम से रिपोर्ट हेड ऑफिस है, उससे पहले ही प्रॉब्लम सॉल्व कर लीजिए सर। पैसे देने वाले ने अब तक फोन नहीं उठाया, नहीं होगा, अपने पास 2 ही घंटे हैं। सिर्फ एक ऑप्शन है, हमें एटीएम को चुराना होगा। एटीएम में इस वक्त सिर्फ 10 लाख रुपए हैं, हेड ऑफिस के हिसाब से 60 लाख होने चाहिए। अगर चोरी हुई मतलब 60 लाख जाएंगे, बचे हुए 50 देने की भी जरूरत नहीं है। ये डील बिहार के एक गैंग को दूंगा और एटीएम के 10 लाख रुपए उन्हें दे दूंगा। अब ज्यादा मत सोचो, ये प्लान काम करेगा। डन। ओके। पैसे अरेंज हो गए हैं, डील कैंसिल। थैंक्स बाबा। कैसा चल रहा है बिजनेस? खलील भाई, क्या हुआ उस्ताद? गाड़ी दिए 2 दिन हो गए। अरे डेली पैदल आ रहा हूँ, ठीक कर दो ना भाई, शुक्रिया अदा करता हूँ। हेलो यार, डार्क प्लेस फिक्स है ना? भाई प्लान में छोटा सा चेंज है, पार्टी पब में ना करके फ्लैट में करते हैं। तुम लोग ऐसा करो, स्टार्ट करो, मैं तुम्हें ज्वाइन करता हूँ। तू ज्वाइन करेगा? बता कितने बजे? 10 तक तो आएगा ना? 1 बज जाएगा। समझा, मतलब अभी सर मैडम को पब ले जाकर एंजॉय करेंगे, उसके बाद हमारी पार्टी ज्वाइन करेंगे। हाँ समझदार हो गया है तू। तू धोखेबाज है, हट। टू ड्रिंक्स। अच्छा है ना? दिन बाद आए हैं। हाँ, ये जगह मुझे बहुत पसंद है। ओ लो आ गए। मुझे एक और देना। बहुत मजा आ रहा है, मुझे तो थोड़ी थोड़ी चढ़ने लगी है। तुम्हें बताओ क्या करें? चलो चलकर डांस करते हैं वहाँ डांस फ्लोर पे। चलो। अच्छा सुनो, तुम बालकनी में बैठो, मैं आता हूँ। अच्छा सुनो, एक बियर बकेट चाहिए मुझे। थैंक्स डूड। थैंक यू। बॉटम्स अप। चीयर्स। बाहर आ जाइए। सॉरी। आइए चलिए सर। यही है वो लड़का, तुम लोग जाओ। एक्चुअली वो थोड़ा, एक मिनट, तूने जो नोट्स दिए वो नकली हैं।
What? Hey, चलो चलो निकलो, चलो चलो जगह खाली करो जल्दी। आने से पहले एटीएम से निकाल के दिया है मैंने आपको। मैं कैसे मान लूं ये मेरे दिए नोट हैं? मेरी बात सुनो, लास्ट पेमेंट जो तूने की थी वो कैश में थी, समझा? बाकी सब ने यहाँ कार्ड से पेमेंट की है, सो कैन यू प्लीज पे मी द बिल विद द कार्ड। ए, तुझे बात समझ में नहीं आ रही है क्या? अरे अरे छोड़ो, मैं पे करती हूँ, लड़ने की कोई जरूरत नहीं, जस्ट कूल डाउन। सर, कार्ड यूज करने से घर वालों को पता चल जाएगा, इसलिए कैश निकाला। बाकी ये नकली नोट का मुझे कुछ नहीं। सर प्लीज प्लीज कुछ नहीं, फोन नंबर बताओ। पिंक काला, देखो जो डिटेल्स है बता दो। क्या हुआ? ए रवि सर, वो पिंक कलर की फाइल लेकर आ और दोनों का बयान लेकर इन्हें लॉकअप में डाल। सर ये आप ठीक नहीं कर रहे हैं। तू बताएगा क्या ठीक है? तूने जो किया वो ठीक था? हाँ तूने जो किया वो ठीक था। सर अगर मेरी गलती है तो मेरे साथ जो करना है कीजिए, लेकिन इसकी कोई गलती नहीं है, इसे घर भेज दीजिए सर, नहीं तो मैं ड्रॉप करके आता हूँ। ड्रॉप करके आएगा, हैंग आउट करके पैग लगा कर आएगा, यहाँ मजाक चल रहा है क्या? क्या रे फोन कहाँ है तेरा? पीछे रखा है सर। अरे शादी की बात तो छोड़ेगी ना? कीर्ति ने तो पकड़ा हुआ है मगर पुलिस नहीं छोड़ रही। ये लड़का नकली नोट की अदला बदली करते हुए पकड़ा गया है। तू क्या इसका दोस्त है? हाँ सर। तुझे भी आना पड़ेगा। क्यों सर? कब तक आएगा? हम इसे नहीं जानते सर, मैं फोन रखता हूँ। कौन था ये? सर ए ये भी तेरे गैंग का है? सर क्या करता है तू? आईपीएस की तैयारी कर रहा हूँ। किसकी तैयारी? नकली नोट छापने की तैयारी कर रहा है क्या? ऐसा कुछ नहीं है सर। तू साइड हट, तू इधर आ, इधर आ। तू क्या करती है? सॉफ्टवेयर इंजीनियर सर। अच्छा टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल कर रहे हो। ए रवि सर इनकी अच्छे से तलाशी लेनी होगी, कौन सी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहे हैं हमें भी नहीं पता। एक लड़की की तलाशी के लिए लेडी कांस्टेबल चाहिए। मणि सर कीर्ति बेबी की अच्छे से तलाशी लो। ठीक है सर। यहाँ नहीं अंदर ले जाकर अच्छे से तलाशी लो। ए चल चल। सर ये आप सही नहीं कर रहे। मैंने कहा ना चल चल। एक्सक्यूज मी शी इज माई डॉटर। डैड थैंक यू। चलो बेटा। डैड सर ये लड़का मेरा होने वाला दामाद है, हम फॉर्मेलिटीज बाद में देख लेंगे, अगर आप कहें तो। प्लीज सर। लेकर जाना है, कल सुबह इस केस से रिलेटेड एक प्रेस मीट है, उसमें आप हमारे साथ पीछे खड़े रहेंगे समझे, उसके बाद लेकर जाइएगा, सुबह तक अंदर रुकेंगे। ये ले इन्हें भी उसी के साथ फाइल कर दे। ओके सर। नकली नोट के केस को हमारी टीम ने कल रात ही क्रैक किया है। कल रात हुई इन्वेस्टिगेशन में एक मुख्य आरोपी हमारे हाथ लगा है, जो है मिस्टर कोंडा विजय कुमार। आईपीएस की तैयारी करने वाला ये लड़का उस गैंग का वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट मेंबर है, ये कल रात ही हमें जांच के बाद पता चला। दुख की बात यह है कि इस गैंग में यंगस्टर्स भी इन्वॉल्व हैं। जल्द ही हम बाकी के लोगों को पकड़ लेंगे और कानून के सामने पेश करेंगे। मैडम दूध ये लीजिए, आपने कहा था कितने 1500 देना है ना? हाँ जी सर। सर सर
कैश नहीं। देखिए बुरा मत मानिएगा पर पेटीएम, गूगल पे या फोन पे इनमें से कुछ भी कर दीजिए। कर दूंगा। संध्या जी थोड़ा सा पानी देना। अभी लाई। देखिए अनिल जी, अब आप रिटायर होने वाले हैं और इस केस की वजह से आपके बेटे को जॉब नहीं मिलेगी। कोई बात नहीं, हर चीज उम्मीद के हिसाब से नहीं होती। ऐसा नहीं है, देखिए माफ कीजिएगा, रिश्ता नहीं हो सकता। चाहते हैं वो इस वक्त व्यस्त हैं। आपने जिस नंबर पर कॉल किया है कॉल में तुमने भी भरोसा कर लिया? सब जगह वही न्यूज चल रही है। पर मैं कह रहा हूँ ना, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। मैं जानती हूँ लेकिन मेरी बात कोई नहीं मान रहा। तुम्हारे सामने ही उस दिन मैंने एटीएम से पैसे निकाले थे। हाँ मैं जानती हूँ लेकिन जब तुमने पैसे निकाले मैं वहाँ नहीं थी। समझ गया मैं, तुम्हारे डैड ने आज घर पे आकर रिश्ता तोड़ दिया और तुम फोन पे रिश्ता तोड़ रही हो। चलो ठीक है, गुड बाय। हाँ बैठो भाई, बैठ जाओ। सबको याद है ना, 3 महीनों में इलेक्शन नोटिफिकेशन आने वाला है हमारे पास और कैंपेन के लिए 10 करोड़ खर्चा होगा। अरे सर 20 करोड़ हो तो भी चलेगा, जीतेंगे तो हम ही ना। अपने इलेक्शंस के लिए तो तुम लोग करोड़ों खर्च कर देते हो लेकिन जनता के लिए करोड़ रुपया खर्च करके ब्रिज नहीं बना सकते। ये सब क्या है सुब्बा रेड्डी? अगर आपने कह दिया तो काम हो जाएगा सर। वो कोने में दुबक कर कौन बैठा, कृष्णा राव? हाँ जी सर। हाँ, तो भाई को साथ क्यों नहीं लेकर आए तुम? उसे पार्टी ऑफिस में काम था इसीलिए नहीं आ पाया। पता नहीं बेटा, आजकल मुझे ये विरासत 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 शब्द बहुत सुनाई दे रहा है। आप ही की तरह मुझे भी अपनी बेटी से बहुत ज्यादा प्यार है, तो क्या मैं बेटी है ये सोच कर कुर्सी दे दूंगा उसको? इतना ही नहीं, तुम में से कोई भी नेता नहीं है। अपने कार्यकर्ताओं में से किसी को नेता नहीं बना सकते? क्या किसी को भी पार्टी अध्यक्ष नहीं बना सकते? अधिकार देते वक्त क्या ये काबिल हैं, ये कर पाएंगे या नहीं, ये देखने की जरूरत है या नहीं? अगर नेता की औलाद बनकर जन्म लेना बड़ी काबिलियत है तो सॉरी मैं नहीं मानता। मत भूलो, एक नेता में जिम्मेदारी उठाने की योग्यता होनी चाहिए, सहन शक्ति होनी चाहिए और हिम्मत भी होनी चाहिए। इसलिए मैंने एक फैसला किया है, सब लोग ध्यान से सुनो। मैं अपने वार्ड एरिया से आप सभी की इच्छा के मुताबिक अपनी बेटी पूर्णवी को स्वतंत्र नागरिक की तरह, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट की तरह खड़ा कर रहा हूँ। अगर वो मुझसे जीत गई तो उसके बाद मैं डिक्लेयर करूंगा कि मेरी बेटी पूर्णवी CM कैंडिडेट है। इलेक्शन में अपनी बेटी के खिलाफ खड़े होने वाले पिता, देश के इतिहास में नई राजनीति की स्थापना करने वाले CM जौहर रेड्डी। तेरे के फिर बाजी ले गया। इस बार हमारी सरकार बनना बहुत मुश्किल है और वो अपनी सरकार बना लेगा और जैसा वो चाहता है अपनी बेटी को CM की कुर्सी पर बैठा देगा। हम ऐसा नहीं होने दे सकते, कुछ ना कुछ करना होगा।
सुनो, तुम अपना फ्यूचर बचा सकते हो। ऐसे रोज रोज आकर स्टेशन में साइन करना अच्छा लगेगा क्या? खुद के बारे में जरा सोचो। ये आप रखिए, लेकिन रोज आके सिग्नेचर मैं ही करूंगा, वरना लोगों को लगेगा कि मैं सच में गुनहगार हूं। रुको, जब कुछ केसेस में हमें कोई प्रूफ नहीं मिलता है तो सेम प्लेस में जाकर हम सीन को रिकंस्ट्रक्ट करते हैं। हो सकता है तुम्हें उससे कोई मदद मिल जाए। थैंक यू। Excuse me. हाँ बताइए। बाहर सीसीटीवी कैमरा है ना? हाँ। मुझे उसकी फुटेज चाहिए होगी। अरे आप कौन है, कहाँ से आए, ऐसे कैसे फुटेज दे दूँ? और मुझे सर से पूछना होगा। जब हमने पार्टनरशिप शुरू की थी तब आपको जितना पैसा चाहिए था उतना भेजा। अपनी पार्टनरशिप कैंसिल हुए एक महीना हो गया, पैसे अब तक नहीं आए, ये क्या है राजू जी? एक महीने में अरेंज कर दूंगा, चिंता मत करो। सर, वो बाहर कोई शुक्रवार की सीसीटीवी फुटेज के लिए आया है। पुलिस वाला है? नहीं नहीं, कोई लड़का है। हर किसी को दे देंगे क्या? निकल। सर, एक बड़े केस का बहुत इम्पोर्टेंट एविडेंस है उसमें, प्लीज सर। अरे उसे ऐसे ही शो के लिए लगाया है हमने, ताकि बच्चे अच्छी तरह से काम कर सकें। वो काम नहीं करता है। चलिए चलिए सर, सर ने कहा ना। क्या कैमरा काम नहीं कर रहा? काम कर रहा है। अरे वो केस की बात कर रहा था, हमें क्या लेना देना। ए छोटू, यहाँ पर कोई और सिक्योरिटी गार्ड भी था ना? मुझे नहीं पता, मैं यहाँ पर नया हूँ सर। सीसीटीवी फुटेज मुझे मिल सकती है क्या? ऑफिस में हमारे सर हैं, जाकर उनसे पूछिए। सर, एक लड़का सीसीटीवी फुटेज के लिए आया था। भाई, कोई एटीएम सीसीटीवी फुटेज देखने की कोशिश कर रहा है। बैंक मैनेजर से मिलने, उसका ऑफिस भी गया है। मैनेजर को कॉल करो। मेरा यकीन मानिए, मैं तो छोटा सा मैनेजर हूँ, मेरे पास जो भी इन्फॉर्मेशन थी मैंने सब दे दी आपको। मैं आपकी बात समझ रहा हूँ सर, मैं भी ज्यादा लोगों को इन्वॉल्व नहीं करना चाहता। इस बारे में जानने वाला कोई भी जिंदा नहीं बचा है। आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, जस्ट डू इट। दत्त, एक्सक्यूज मी, मुझे मैनेजर साहब से मिलना है। आपको क्या काम है उनसे? क्या है ना कि सीताराम नगर में जो एटीएम है, फ्राइडे नाइट को 9:30 के आसपास मैंने जो ट्रांजैक्शन किया था उसकी डिटेल्स चाहिए, सीसीटीवी फुटेज भी। टाइम लगेगा, आप बैठिए। थैंक यू। हाँ बोलो। सर, सीसीटीवी फुटेज के लिए एक लड़का आया है, सोफे पर बैठा है। कुछ भी बोलकर वापस भेज दो, कुछ मैनेज करो। जी सर। एक्सक्यूज मी,
यस मैनेजर साहब फ्री हो गए क्या? मैनेजर साहब तो जा चुके हैं। ऐसे कैसे? मैं एक घंटे से यहाँ पे उनका वेट कर रहा हूँ। आपने किसी को बताया था? कोई ड्रामा चल रहा है क्या? यहाँ पे एक आदमी बैठा हुआ था, उसी ने कहा था वेट करने के लिए। ऑफिस में चिल्लाइए मत, मैं आप लोगों की ऊपर कंप्लेंट करूंगा। ये है कंप्लेंट फॉर्म, इसे भर के पीछे कंप्लेंट बॉक्स में डाल दीजिए। कल कितने बजे आएंगे? 9:30 तक आ जाते हैं। थैंक यू। सब परेशान है। सर। ए, तेरे कांड की वजह से ना मेरी जान पर बनाई है। अभी वो सीसीटीवी फुटेज के लिए मेरे सर पर बैठ गया था। सर मैं मैनेज कर लूंगा। सर क्या मैनेज करेगा तू? अभी आकर मिल। जी सर। इडियट। हेलो। हेलो भाई, आपने जो पैसे भेजे थे उनमें फेक नोट्स थे। हाँ तो क्या हुआ, मार्केट में जितने भी नोट चलते हैं उनमें से 20% फेक ही तो होते हैं। भाई मैंने वो पैसे एटीएम में डाले थे, उसकी वजह से बड़ी प्रॉब्लम हो गई। एटीएम में रख या पेटीएम में रख मेरी प्रॉब्लम नहीं है, बस मेरे जितने भी पैसे हैं टाइम पर लौटा देना। मेरी बात समझ गया ना? अपने बेटे के लिए आपने बची हुई 5 साल की सर्विस भी छोड़ दी और अब वापस ज्वाइन भी नहीं कर सकते ना। आपके बेटे को वो जॉब मिल सकती है। इस सिचुएशन में मैं आपके बेटे को जॉब नहीं दिलवा सकता, लेकिन आपको दिलवा सकता हूँ। रामला कॉरपोरेशन के अकाउंट सेक्शन में मैंने बात की है। थैंक यू सर। ओके, तो अब मैं निकलता हूँ, आप आज जाकर मिल लीजिएगा। चाय तो पी कर जाइए। नहीं शुक्रिया। इससे कहो मुझे बाहर जाना है, गाड़ी चाहिए, इसलिए चाबी रख कर जाए। सिर्फ ये एक साइन मिसिंग है, एवरीथिंग एल्स इज फाइन, परफेक्ट। मैनेजर सर ने आपको ये पेपर्स देने के लिए कहा है। ये लीजिए, मैं अभी आई। मम्मी अंकल कैसे हैं? मैं अच्छी हूँ। पापा चाहिए, पापा चाहिए। एक सेकेंड, दिखाओ दिखाओ। ये लो, ये देखो। अरे पापा 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 मेरे पापा। आपके हस्बैंड बाहर गए हैं क्या? कुछ दिन पहले ही वो गुजर गए। इसे पता नहीं है, इसलिए ऐसा है। I'm so sorry. It's okay. वैसे आप यहाँ कैसे? मैनेजर से मिलने आया था। मैनेजर तो अभी निकल गए। हेलो,
एक्सक्यूज मी सर, ये आपकी फाइल। जी हाँ, मैंने मेडिसिन दे दी है, आप उन्हें ले जा सकते हैं। जी हाँ विजय, जब तुम खाना लेने के लिए घर गए थे तब कीर्ति आई थी, मैंने उसे मना भी किया पर वो बिल पे करके चली गई। पैसे लौटा देता लेकिन तुम और तुम्हारे डैड नकली नोट ना समझ लें, इसलिए गूगल पे किया। मायूस मत हो बेटा, ऐसे हार मान लेगा तो कैसे चलेगा। आपको कैसा लग रहा है? थोड़ी कमजोरी है। आप जूस पियेंगे? लेके आता हूं। बेटा विजय सुनो ना, मुझे लग रहा है ये एक्सीडेंट नहीं था, किसी ने जानबूझकर अटैक किया था मुझ पर। कल मैंने ही आपको फोन किया था। नारद, डिटेक्टिव नारद, मैंने आपके केस को पूरी तरह स्टडी कर लिया है। आप ये फॉर्म फिल करके 5,000 दे दीजिए, आई विल डील योर केस। नो प्रॉब्लम, मेरे पास दूसरी कॉपी है। सर इसे फिल करके 5,000 दे दीजिए। दूसरी शर्ट है तुम्हारे पास? डिटेक्टिव हूँ, सब रखता हूँ। इट्स ओके, जो भी हुआ उसे भूल जाओ, अपने आप को एक मौका दो। राजेश वो अमेरिका से है, मेरे हिसाब से तुम दोनों की जोड़ी अच्छी रहेगी, एक बार मिलके देख लो। हाय अंकल। हाय राजेश। खड़े क्यों, बैठो ना। या थैंक यू। राजेश ये मेरी बेटी कीर्ति। हाय कीर्ति। कीर्ति राजेश, तुम दोनों बैठ के बात करो, मैं तुमसे बाद में मिलता हूँ। ठीक है ना? थैंक यू। ओके डैड। डैड हाय कीर्ति। I'm Rajesh. You can call me Raj. One minute, my dad. Hello? Huh? Yeah? Are you crazy? 50 lakhs Google Pay? It's not possible, Dad. Na calls, na messages. I'm with Kirti. Please don't call me. Don't disturb me, please. Yeah, so Kirti, let's do some crazy things like, I think, selfie. Good idea, very good idea. अरे ओह नो, आई गेस कैमरा ऑफ हो गया। नाउ आई विल टेक अ नाइस वन। विजय, तुम अपनी मर्जी से ब्रेकअप कैसे कर सकते हो? ये लड़का मेरी फीलिंग समझता ही नहीं है। विजय बताओ, क्या प्यार करने वाले ऐसे बात करते हैं? जहां भरोसा नहीं वहां प्यार नहीं होता कीर्ति। सर सर, मैं डिटेक्टिव नारद सर। हेलो। इतना भरोसा काफी है? सर मैं डिटेक्टिव नारद, आप कहां पर हैं? अरे ये क्या? सर मैं आपके केस पर इतनी स्टडी कर रहा हूँ और आप ये कौन सी स्टडी कर रहे हैं? मेरा मतलब रोमांस की, वैसे लड़की बड़ी कड़क है। लीजिए सर वो पैसे। सर सर सर, आपने जब से एटीएम से पैसे निकाले हैं ना, तब से लेकर अपनी गर्लफ्रेंड को गूगल पे करने तक पूरा केस स्टडी कर लिया है मैंने।
सिंपल सी बात है सर, हम जिस चीज को जहाँ खोते हैं उसे वहीं दोबारा ढूंढना चाहिए। ऑलरेडी ढूंढ चुका हूँ। कितनी बार? बार बार ढूंढना चाहिए सर, वहाँ दिखने वाली हर चीज, हर एक चीज हमसे कुछ कहती है सर, बस हमें उसे सुनना होता है। आइए चलते हैं सर। पार्टी के लिए जा रहे हैं ना? यार प्लान में ना थोड़ा सा चेंज है। 10 तक तो आएगा ना? 1 बजे तक। खलील भाई क्या हुआ उस्ताद? गाड़ी दिए 2 दिन हो गए। अरे डेली पैदल आ रहा हूँ, ठीक कर दो ना भाई, शुक्रिया अदा करता हूँ। हाँ, ये खलील कहाँ रहता है? पता नहीं, यहीं आसपास काम करता होगा। कोई बात नहीं। ए भाई, खलील कहाँ मिलेगा? और ऊपर ले, और थोड़ा और ऊपर ले। खलील? बस बस बस। हाँ, कौन? सीताराम एटीएम सेंटर के गार्ड को जानते हो? हाँ, नसीम चाचा। नंबर मिल सकता है? हेलो, नसीम चाचा से बात हो सकती है? उनकी तो मौत हो गई जी। पर कब? पिछले शुक्रवार लॉरी ने टक्कर मार दी। आप अपना एड्रेस दे सकती हैं? मैं आके मिलता हूँ। भाई साहब। हाँ बोली। नसीम जी की वाइफ यहीं रहती है ना? नहीं, उनके कोई रिश्तेदार आकर उन्हें गांव लेकर चले गए, कौन थे हम नहीं जानते। अरे पर अभी मैंने बात की थी उनसे। कहा ना, मुझे नहीं पता। ये सब चल क्या रहा है? हम ढूंढ किसे रहे हैं और आखिर क्यों? मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। जब मैंने पैसे निकाले थे तो मेरे आगे पीछे निकालने वालों को भी फेक नोट्स ही मिले होंगे। अगर मैं ये प्रूफ कर दूं तो मैं इस केस से बाहर निकल सकता हूं। आपको ऐसा लगता है? भाई ये है कैब बुकिंग डिटेल्स। चलता हूं। भाई जरा देखना बात बाहर ना आए, नौकरी के सवाल है भाई, संभाल लेना। तू चिंता मत कर भाई। हेलो। हेलो, अगर आप फ्री हैं तो 2 मिनट बात कर सकता हूँ? क्या काम है बोलिए। कुछ बहुत अर्जेंट है आपसे मिलना। मैं बिजी हूँ, जल्दी क्या बात है बताइए। परसों आपने सीताराम नगर के एटीएम से पैसे निकाले थे? हाँ। आपके बाद मैंने विड्रॉ किया था। क्यों पूछ रहे हैं? आपके बाद मैंने निकाला था, मेरे पास फेक नोट्स आए थे। बहुत बड़ा हो गया है केस भाई साहब, मुझे आपकी मदद चाहिए। मैंने जो पैसे निकाले थे उसमें से 500 वॉचमैन को दे दिए और 2000 के नोट उस लड़की को दे दिए। एक बार उस लड़की से मिल सकता हूँ क्या? सर वो कौन से नोट थे मुझे नहीं पता, मैंने वो नोट तभी खर्च कर दिए थे। अच्छा, कहाँ खर्च किया था, याद है आपको? नहीं, मुझे इस केस के बीच में मत लाइए, उस दिन पैसों की जरूरत थी इसलिए वहाँ आई थी।
अगर ये बात मेरे घर पर पता चली तो सब कुछ बिगड़ जाएगा। अरे ऐसे कैसे छोड़ दे, जानती भी हो हमारे सर कितने बड़े केस में फंस गए। जाने दे। थैंक यू सो मच। तुम्हें मारने के लिए आया था? कहाँ भाग रहा है? कहाँ भाग रहे? ए, कौन है बेटू? किसने भेजा है तुझे? मेरी फोटो, इसे मेरा एड्रेस कहां से मिला? कौन है ये? कौन है ये? कौन है बे तू? सड़क पर ले आया मुझे, छोड़ूंगा नहीं तुझे मैं। कहाँ भाग रहा तू? रुक, साले। ए रुक, कहाँ भाग रहा है? जाने नहीं दूंगा तुझे, बता दूँ जाने नहीं दूंगा तुझे। ए रुक, ए रुक जा तेरी। उस गाड़ी का नंबर देखा क्या? सर गाड़ी छोड़ो, मुझे तो यमराज दिख गए। हे भगवान। नमस्ते मैम। नमस्ते, बैठिए। ये रंगा है मेरा कार्यकर्ता, बहुत अच्छा लड़का है।
इसके कॉर्पोरेशन लोन में कोई इश्यू हुआ है, मैं चाहती हूँ आप उसे रिजॉल्व करें। मैडम, आपके पीए रघुनाथ जी ने फोन करके फाइल मंगवा कर सब कुछ चेक कर लिया और रूल्स के मुताबिक ये पॉसिबल नहीं है, इसलिए रिजेक्ट कर दिया। ओके, सॉरी मैडम। कोई बात नहीं, क्या आप मेरे लिए एक फेवर करेंगे? बताइए ना मैडम। जरा एक पेपर दीजिए। हाँ, एक मिनट। पेन प्लीज। क्या आप इसे मेरे लिए सीएम ऑफिस में फैक्स कर देंगे? मैडम, आपके रेजिग्नेशन लेटर को मैं कैसे फैक्स कर सकता हूँ? अगर मैं अपने कार्यकर्ता की मदद नहीं कर पाई तो आम जनता की मदद कैसे कर पाऊंगी? ये सोचकर कि उनकी जिंदगी सुधर जाएगी, उन्होंने मेहनत करके मुझे जिताया, अगर मैं उन लोगों के लिए कुछ नहीं कर पाई तो मुझे इस पद की कोई जरूरत नहीं। ऐसा नहीं है मैडम, प्लीज मैडम, मैं एक बार फिर से कोशिश करता हूँ, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा। काम हो जाए तो लेटर फाड़ कर फेंक दीजिएगा, अगर नहीं हुआ तो फैक्स कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर योर टाइम। मैडम, 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 प्लीज एक मिनट रुक जाइए, प्लीज मैडम। काम होगा या नहीं? हो जाएगा मैडम, बिल्कुल होगा, मैं करूंगा, हो जाएगा मैडम। स्टॉप द कार। मैडम, अजय कहाँ है? मैडम, कैश रेडी है। कैश इन्हें दे दीजिए। थैंक यू मैम। वो बात ये है कि शट अप। 5 करोड़ का जुआ खेला तुमने, इट्स रिडिकुलस अजय, हमें अपना फ्यूचर खराब नहीं करना है। बेबी मुझे माफ कर दो, दोबारा ऐसा नहीं होगा। ओके मैडम। क्या है ये? वो मैं तुम्हें समझ भी आ रहा है तुम क्या कर रहे हो? बेबी सुनो, मैं कौन हूँ, मेरी कैपेसिटी, मेरा फैमिली बैकग्राउंड जानते हो ना? इस स्टेट में मेरी नेक्स्ट पोस्ट क्या है जानते हो? सॉरी बेबी, मैं आपसे मेरी बात पापा तक नहीं पहुँचनी चाहिए, अगर पहुंची तो जानते हो ना क्या होगा। आई एम सॉरी पूर्णी, मुझे एक मौका और दे दो, मैं सिर्फ 2 दिन में सारा मैटर सॉल्व कर दूंगा, प्लीज। 2 दिन, सिर्फ 2 दिन? मैंने अपना हिस्सा निकाल लिया है। पता नहीं तुझे जुआ खेलना आता भी है कि नहीं, जुए के लिए अपनी बीवी से 5 करोड़ रुपए ले लिए तूने। अगर ये बात तेरी बीवी को पता चल गई ना तो मैं तो गया काम से। ये पकड़, टेबल पर रख दो, 5 करोड़ ऐसे ही थोड़े ना मिलता है। हाँ सर बोलिए। मैं तुम्हें एक नंबर भेज रहा हूँ, ट्रेस करो। ठीक है सर। आधे घंटे में वो मुझे चाहिए। ए रवि, तुझे एक नंबर भेजा है, उस नंबर से रिलेटेड आधार कार्ड नंबर, एड्रेस डिटेल सब कुछ चाहिए। ओके समझ गए? ओके ओके, फास्ट फास्ट जल्दी करो। इस नंबर पे कहां से फोन आया जल्दी ट्रैक करो। ओके सर। अमीर पेट जा रहा है, अमीर पेट से उधर जा रहा है,
नजर रखो इस पे। कीप ट्रैकिंग। सर मैं एक फोन नंबर की इंक्वायरी करने आया हूँ, क्या ये नंबर आपका है? हाँ सर, ये नंबर मेरा है। ये नंबर है आपके पास? सर वो मोबाइल कोटी मार्केट में गुम हो गया था। आपने केस फाइल किया? हाँ बिल्कुल, पेपर था, कोटी में है। कोटी, वो फाइल का है? ए, 302, ये लोकेशन कहाँ पर है? हेलो सर, वो सच कह रहा है, फोन गुम होने की कंप्लेंट यहाँ पर रजिस्टर्ड है सर। हाँ जी हाँ जी बिल्कुल, मैं देता हूँ सर। हाँ हेलो सर, वो मिल गया सर। कहाँ मिला वो? पंजागुट्टा पीएस। पंजागुट्टा पीएस क्या? कुछ भी करके उसे जल्दी पकड़ो, उसे छोड़ना मत। इस केस में बहुत बड़े बड़े लोग इन्वॉल्व्ड हैं। सर मैप यही ऑटो की लोकेशन दिखा रहा है सर। ये नंबर कहाँ है मुझे 15 मिनट पे ट्रैक करके बताओ, ये बहुत अर्जेंट है, जल्दी करो। उतरो उतरो, एक मिनट 302। सर फोन सर। सर किसी ने बड़ी चालाकी से ऑटो में फोन रखकर हमें इतनी देर तक बेवकूफ बनाया सर। सर फोन नंबर और आधार डिटेल देखकर समझ आया कि वो फोन चोरी का है। इस बारे में ऑलरेडी कोटी के पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट भी है। सर आपको अर्जेंटली किसी चीज की तलाश है क्या सर? इस बात को जानने वाला कोई भी जिंदा नहीं बचा है। आई एम वेरी सॉरी सर। ये फोटो देख रहे हो, ये कॉलेज के कल्चरल फेस्टिवल की है। ये है ग्रुप फोटो और ये अवार्ड के साथ। रेयर पीस अंकल, और भी कमाल का है। ऐसी ब्यूटी, ऐसी पढ़ाई लिखाई, इतनी खूबियां एक ही लड़की में होना बहुत रेयर है। That's what I meant. Thank you. बेटी, राजेश को ले जाके जरा कॉफी तो पिलाओ। Yeah, why not? जाओ बेटा, शर्माओ मत। शर्माओ मत, जाओ ना। समधी जी? हाँ कहिए ना। मुझे कॉफी नहीं, चाय चाहिए। Wait, I'll help you, please. Please. अगर तुम लेना चाहोगी तो मैं खुशी से दे दूंगा। आई मीन समथिंग लाइक डायमंड्स, पर्स। ओ अच्छा, बिस्किट। थैंक यू। राजेश, मैं किसी और से प्यार करती हूँ। इट्स टोटली नेचुरल। और उसके लिए अपनी जान भी दे सकती हूँ। ओह कम ऑन, छोड़ो भी, ये सब फिल्मों में अच्छा लगता है। इट्स नॉट पॉसिबल। अब तुम्हारी बारी है। डैडी, कीर्ति क्या है ये सब? मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकती। सब ठीक हो जाएगा, मैं जानता हूं तुम मुझसे कितना प्यार करते हो। मैंने कोई गलत काम नहीं किया है, मुझे बस थोड़ा वक्त चाहिए। तुम्हारे लिए जिंदगी भर रुक सकती हूं। बहुत जोर की लगी है, बंद हो जा। क्या? हो गया। ए, कौन हो तुम लोग? मेरे घर के अंदर कैसे घुसे? हाँ क्या कर रहे हैं, पागल है क्या? बेवकूफ, छोड़ो मुझे, छोड़ो। ए, क्या कर रहे हो तुम लोग? जब भी सीसीटीवी फुटेज मांगने आता हूँ तो तू भाग क्यों जाता है? उस सीसीटीवी फुटेज को पहले ही डिलीट कर दिया। किसने डिलीट की? डरा रहे हो मुझे? क्या करोगे तुम लोग, पीटोगे या मारने की धमकी ही दोगे ना? लेकिन वो लोग तो पक्का मार देंगे मुझे, वो बहुत बड़े लोग हैं। ये तुम्हारी प्रॉब्लम नहीं है,
अनजाने में इसमें आ गए ना, एग्जिट का रास्ता भी खुला है, निकल जाओ यहाँ से। मुझे नहीं लगता ये हमारे सवालों का जवाब आसानी से देगा। आप कंटिन्यू करो सर, कंटिन्यू करो। मेरी बात समझ क्यों नहीं रहे तुम? मारे जाओगे। कौन हो तुम? वो सर ने हटो। कौन है ये लोग? ये लोग बैंक लोन के लिए आए हैं। अप्रूव हो जाएगा, उसके लिए घर तक आने की क्या जरूरत थी? कल बैंक आ जाइए, अप्रूव हो जाएगा। थैंक यू सर, प्लीज बाय सर। सर आप जाइए। सर इतने सारे लोग, तुम लोग नजर रखना ठीक है? हाँ ठीक है। पांच मिनट में पहुंच रहा हूं, मेरे लिए कोई आए तो उसे रूम में बिठा देना। हाँ ठीक है सर। ए भाई 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 चलो प्लीज बाहर निकलो। सर आ रहे हैं, सर आ रहे हैं, प्लीज बाहर निकलो। एक मिनट देना चली जाएगी। ए मेरे पास तो बाहर प्लीज निकलो ना। ए देखो अपने पैसे ले लो, लेकिन प्लीज निकलो यहाँ से। ए तुम लोग क्या कर रहे हो? चल तो सही, कोई गलत कर रहे हो? मैं देख लूँ बस। देखो मेरे पास मान लो मेरी नौकरी चली जाएगी। संभाल लूँगा, टेंशन मत ले भाई। तो सर आगे चलो चलो यहाँ से। ये देखिए ये जो गाड़ी है ना, ये भी अच्छी है, बाकी मैं आपको फोन पर बता दूंगा। अच्छा फोन पर बताओगे सर? हाँ सब कुछ ठीक है, चलता हूँ। वो कस्टमर है सर, ये वाली गाड़ी देखने आया था, वो फोन करके मैं बता दूंगा, फिर वो फाइनल बताएगा। अरे यार वो आ गया, क्या करें। पानी खत्म हो गया है, देखो। ए छोटू। हाँ हाँ सर। मेरे गेस्ट आ रहे हैं, थोड़ा चाय नाश्ता वगैरह मंगवा ले। आ गए, देख जा चाय लेकर। हाँ लाता हूँ सर। सर ने बताया था कि आप आएंगे, बैठिए। तेरी तो मुंह बंद रख। अरे कौन हो ये, तुम क्या कर रहे हो? हेलो भाई। हाँ बात कीजिए आप। वीडियो अपने पास रख के ब्लैकमेल करेगा? वीडियो में क्या है मैंने नहीं देखा सर, मेरा यकीन कीजिए प्लीज। चुप है, मुझे नहीं पता सर। अरे हाँ भाई बात सुन, पक्का वो नाटक कर रहा है, मुझे यकीन है वो वीडियो उसी के पास है। कुछ भी कर वो वीडियो मुझे चाहिए। ओके भाई। साले बहुत नाटक सूझ रहे तुझे। रुक इधर आ, अभी समझाता हूँ। चल बता कहाँ है वो। ए, आप कौन है? आपने हमारे सर पर बंदूक क्यों लगाई? वीडियो कहाँ है? जल्दी बता वीडियो कहाँ है? सीसीटीवी कैमरा। सर वो मेरा एक और पार्टनर है, इस वीडियो का एक्सेस उसके पास भी है। कौन है वो? जल्दी फोन लगा उसको, जल्दी कर। ये क्या है राजू भाई, सुबह सुबह शुरू कर दिए? ठीक है बनाइए, मैं आता हूं। ये गेंडा कौन है? वॉशरूम।
दरवाजा खोल। हाँ, आ रहा हूँ। क्या रे, सब्र नहीं होता क्या? क्या रे, मेरे से शर्ट फट्टी करेगा? खोपड़ी में छेद कर दूंगा। वीडियो कहाँ है? अरे तू हमें ब्लैकमेल करेगा? कौन सा वीडियो, कैसा ब्लैकमेल? राजू भाई क्या हो रहा है ये? अबे वो क्या बताएगा? ए, फोन निकाल इसका। भाई ये तो लॉक है। अबे ला तू मुझे दे। लॉक खोल साले। देख से वीडियो ढूंढ। मिला क्या साले? कहाँ है वीडियो? सच में मैं नहीं जानता सर। हेलो भाई, वीडियो इसके पास नहीं है। दोनों को यहाँ लेकर आओ, यही देख लेंगे। ठीक है भाई। ए, चल बाहर, चल। मैंने कुछ नहीं किया। चलना। सर कहाँ है? वो अंदर। सर, सबूत मिला? ऑलमोस्ट मिल गया था। ये अपने बॉस का नंबर दे। किसका फोन है ये? मेरा है सर। ये कौन है? इसी का है सर। चल बात कर। हेलो, तुझे जिसने उठाया उसे फोन दे। हाँ बोल। ए, अपने बॉस से बात करा। हाँ, कौन है तू? ब्लैकमेलर। मैंने क्या बोला था और तू क्या कर रहा है? तू सही रास्ते पे गया था लेकिन आदमी गलत उठा लाया। I am the blackmailer. अब मेरी बात कान खोल के सुन। मैं जो जो बोलूंगा वो सारी बातें माननी होंगी। छोड़ दे उन्हें। 10 मिनट बाद फिर कॉल करूंगा। hey. मैंने छोड़ दो। सर, ये आप कर क्या रहे? ये तो सरासर ब्लैकमेलिंग है, कहीं हम फंस ना जाए सर। आ रहा हूं। मतलब ये फोन छुपाने वाला ही ब्लैकमेलर है। सीसीटीवी फुटेज इसी में होने के चांसेस हैं। यानी गैलरी में सेपरेट लॉक होगा। जिसे खोलने के लिए हमें वही आदमी चाहिए। उसे छुड़वाने के लिए हमें ऐसा दिखाना होगा कि ब्लैकमेलर हम ही हैं। उसने कॉल करके तुम्हें छोड़ने के लिए कहा है। मतलब तुम में से कोई उसे जानता है। मैं तुम्हें 1 मिनट दे रहा हूं। जो बता देगा उसे छोड़ दूंगा, जो नहीं बता पाया वो मरेगा। सिर्फ 1 मिनट। सच में मुझे कुछ नहीं पता सर। मैं भी कुछ नहीं जानता सर। मेरा यकीन कीजिए, मुझे नहीं पता सर। मैं कसम खा रहा हूं। मैं ही था सर। वो कुछ नहीं जानते थे सर, मैं ही ब्लैकमेलर था। वो वीडियो मिलते ही पीएसए मैडम का नंबर लेकर मैंने ही ब्लैकमेल करने की कोशिश की थी सर। हेलो। हाँ, आपने जो वीडियो भेजा मैंने देखा। इससे हम बहुत पैसे कमा सकते हैं। इसमें फायदा हम दोनों का होगा। एक काम कीजिए, पूर्णा मैडम का नंबर भेजता हूँ, उन्हें व्हाट्सएप पे वीडियो भेज दीजिए। मैंने ही ब्लैकमेल किया था सर। वीडियो कहाँ है? उसी फोन में है सर। उसने उसी फोन से कॉल किया था। सच में मैं उसे नहीं जानता सर। साले नहीं तो ऑफिस में छोड़कर आया था सर। अगर उसने वो निकाला है तो जरूर वहां के सीसीटीवी कैमरा में रिकॉर्ड होगा सर। सर वो देखिए, कुछ लोग अंदर जा रहे हैं। चल, वीडियो नहीं मिला। चल चल चल।
कहाँ चला गया था? प्यास लग रही थी तो पानी पीने गया था। हम कौन है उन्हें पता चल गया। हमारी पूरी सीसीटीवी फुटेज वो चेक कर रहे हैं। अरे यार विजय, हम पकड़े जाएंगे। पकड़े नहीं जाएंगे, क्योंकि आप जब उस दिन फुटेज लेने आए थे ना, तो मैंने सारे कैमरास बंद कर दिए थे ताकि सर को पता ना चल सके आप आए थे। थैंक्स भाई। हे, अपना फोन दे। अरे ये क्या किया तूने? अगर तेरा फोन तेरे पास रहा तो वो हमारी लोकेशन जान जाएंगे। वो सही कह रहा है सर, 90% केसेस में फोन ट्रेस करके सब पता लगा लेते हैं। हाँ, मालूम है मुझे। उस फोन का हमारे पास होना डेंजरस तो है लेकिन जरूरी भी है। अगर इस केस से बाहर निकलना है तो वो फोन हमें चाहिए। हे, मुझे लगता है वही लोग होंगे। सर नहीं सर, फोन मत उठाना सर। हेलो। हेलो, मैंने फोन किया सर, ये मेरे बॉस का फोन है ना इसलिए। अरे इतना दिमाग है तो तू डिटेक्टिव क्यों नहीं बन जाता? आपके जितना पढ़ा लिखा नहीं है यार विजय, कम से कम अब तो अपना फोन ऑफ कर दे प्लीज। हाँ सर। धत, मेरी बात ध्यान से सुन। ए, हाँ भाई। दाना डाले बगैर चूहा बिल से बाहर नहीं आता है। इस दाने को शॉप के बाहर डाल दो, इसे देखकर वो आएगा। इन दोनों को मारकर उसे ले आना, जाओ। छोटे, मेरे बॉस बुला रहे हैं मुझे। छोटे, मुझे जाना होगा। मत जा, प्लीज छोड़िए, मैं जा रहा हूँ। सर, अबे क्या कर रहा है तू? चलो चलो निकल ले। छोटे बॉस, छोटे छोटे उठ, छोटे उठ। हेलो भाई, यहाँ एक आया था, टपका दिया साले को। और वो भोपाल कहाँ पर है भाई? वो तो नहीं है, वो भाग गया। ढूंढो उसे, कुछ भी करो। धत, लॉक खोलिए सर। चलिए चलते हैं। कहाँ बोलो, हमें ये देखना है कि अगर हम ये फैसला करें तो हमारे कार्यकर्ता कहाँ तक साथ देंगे, क्योंकि पिछली बार ऐसा ही एक फैसला किया गया था, तब हमारे कार्यकर्ता सहमत नहीं थे। इसीलिए ऐसी परिस्थिति दोबारा ना आए उसके लिए हमने ये सोचा है कि पहले हम सबका मत लेंगे, उसके बाद ही किसी नतीजे पर आएंगे। दामाद जी, क्या हुआ आपको? बेटा तुम्हें क्या हुआ? हमारी लव मैरिज हुई थी, रवि हमेशा खुश रहता था और मुझे भी खुश रखता था। हमें एक बेटा हुआ पर उसकी दिमागी स्थिति ठीक नहीं थी, इस बात का भी हमें दुख नहीं था। वी वर अ हैप्पी फैमिली। रेडी? रवि गर्ल्स हाई स्कूल में फिजिकल ट्रेनर का काम करता था।
स्पोर्ट्स से रिलेटेड सही फैसिलिटीज ना होने की वजह से वो हमेशा बहुत दुखी रहता था। तो इसीलिए एक दिन वो मिनिस्टर मैडम से मिलने गया। इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया से जाने वाली गर्ल कैंडिडेट्स बहुत कम हो गई हैं, स्पेशली हमारे राज्यों में से। वजह ये नहीं कि उनमें टैलेंट नहीं है, बस मौका नहीं मिल रहा। उसकी हर बात, हर काम और हमारे स्टेट के विमेन स्पोर्ट्स के लिए कुछ करने के इंटेंशन से पूर्णा काफी इंप्रेस हुई। अगर हमें आपका साथ मिल जाए तो डेफिनेटली वी कैन मेक दिस हैपन। थैंक्स मैम। रवि, कॉल मी पूर्णा। ठीक है मैम। पूर्णा, रवि उसका कॉलेज क्रश था। बाहर वेट कीजिए। और एक दिन पूना अचानक हमारे घर आई। वो एक मिनिस्टर की तरह नहीं बल्कि एक फैमिली मेंबर की तरह हमसे घुल मिल गई। मैं फाइल गवर्नमेंट को तो एस्केलेट कर दूंगा, पर अगर आपका सपोर्ट होगा तो अच्छा रहेगा। क्या हम पास के कुछ स्कूल्स विजिट करें? श्योर मैम। सॉरी सॉरी पूना। एंड आई होप आई डू द बेस्ट। जी मैम। थैंक यू। थैंक यू मैम। थैंक यू। तुम ड्राइव कर लेते हो? हाँ कर लेता हूँ। ड्राइवर चाबी दो। Excuse me. Wife? हाँ एक मिनट। हाँ बोलो। हाँ बाहर आया हूँ, एक छोटी सी मीटिंग थी। थोड़ा वक्त लगेगा। ओके सब ठीक तो है ना? एक मिनट। It's okay. We'll catch up tomorrow. Good night. Sure. तो चले। हाँ कीज। नाइस परफ्यूम, कौन सा है? वो ये ऑटोग्राफ। ओके रवि, कल मेरा बर्थडे है, मैंने थीम पार्टी रखी है, तुम आओगे तो अच्छा लगेगा। श्योर। थैंक यू, सी यू। तो मेरी सबसे गुजारिश है कि वो पार्टी को एंजॉय करें। हाय, हे, हैप्पी बर्थडे टू यू। थैंक यू, थैंक यू। हैप्पी बर्थडे। हाय गाइस, आप सबका स्वागत है और आज के इस खूबसूरत दिन में पूना मैडम को हैप्पी बर्थडे विश करना चाहूंगा और मेरे पास आपके लिए एक सरप्राइज है। अ वेरी हैप्पी बर्थडे स्वीटहार्ट। सबके लिए चांद आसमान में है मगर मेरे लिए मेरे घर में, और अभी पार्टी में है। हैव अ ग्रेट डे, कैरी ऑन, एंजॉय द पार्टी। अजय कहाँ पर है? जरूरी काम की वजह से दिल्ली में है। बेटी, मेरी पूर्णवी बेटी, तुम्हें जन्मदिन की खूब शुभकामनाएं।
ओह माय गॉड, तुमने टैटू करवा लिया? हाँ तो ये क्या कर दिया? पर ये तो अच्छा है ना? 4 से 6 सेटिंग्स लगती हैं इसे हटाने के लिए। अब हटाना क्यों है? ओह माय गॉड, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? अरे अगर किसी ने इसे देख लिया तो क्या कर दिया? ओके ओके ओके, रिलैक्स। ओके, तुमने तो डरा ही दिया। तुम बस मेरे हो। क्या हो गया तुम्हें? ये लो जल्दी पहन लो। अरे जल्दी पहनो, स्वाति आ गई है। अरे सदने का टाइम नहीं है, जल्दी करो। अरे यहाँ खड़े होके क्या कर रही हो? अरे जल्दी चलो, स्वाति आ गई है, चलो निकलो। अरे मेरा बैग। चलो बैग दो, जाओ ना। पापा दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। हाय पापा। तुम्हें क्या हुआ, उदास लग रहे हो? तुम मेरे साथ नहीं थी ना, इसीलिए। सब ठीक है ना? पूर्णा, वो मैं। इट्स ओके, तुम कर भी क्या सकते हो। आई थिंक यू आर कंफ्यूज्ड एंड टेंस्ड। एक काम करते हैं, तुम्हारी वाइफ और बच्चे को मार देते हैं। क्या कह रही हो तुम? वो मेरी बीवी और बच्चा है, मेरी जान है। उसी को निकालने के लिए कह रही हूँ। पूर्णा, तुम अभी गुस्से में हो। रवि, रवि, देखना तुम ही कहोगे बहुत अच्छा आइडिया है। अरे थैंक्स, वो ट्रक ने, पता है मैं आज मरते मरते बची। ठीक है ठीक है, तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं ना? नहीं मैं ठीक हूँ। तो तुम घर जाओ, मैं भी आ रहा हूँ। तुमसे मैंने पहले ही कहा था मेरी फैमिली से दूर रहना। इस बार तो बच गई, दोबारा ऐसा नहीं होगा। कहाँ तुम? नहीं पूर्णा, ये रिलेशनशिप सही नहीं है। और अगर मैंने तुम्हें हर्ट किया है तो आई एम सॉरी। दिस हैज टू एंड यू। गुड बाय। रवि, 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 रुको। सॉरी, रियली रियली सॉरी। तुम मेरी लाइफ से चले ना जाओ, इसलिए ये सब किया था। तुम ही मुझे नहीं समझोगे तो और कौन मुझे समझेगा, जरा बताओ। ऐसा नहीं है पूर्णा, कल मेरी मैरिज एनिवर्सरी है। तुम्हारी ऐसी हरकतों से अगर कोई अनहोनी हो गई तो मेरा क्या होगा? ओके, आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी। बैठो बैठो ना। तुम्हारी मैरिज एनिवर्सरी के लिए मेरी तरफ से एक छोटा सा गिफ्ट। OTP प्लीज। रवि, तो तुम्हारे और तुम्हारी फैमिली के लिए कुलू मनाली की ट्रिप प्लान की है। सो विशिंग यू एडवांस मैरिज एनिवर्सरी। रवि,
कूल अब तुम खुश हो? हाँ खुश हूँ। तुम्हारी फ्लाइट कल सुबह 6 बजे की है। तुम, तुम्हारी वाइफ, तुम्हारा बेटा, तुम अपनी वाइफ के साथ करते हो? What? Will you have with your wife? ऐसा नहीं है। Will you have with your wife? अभी इस बारे में क्यों? करोगे या फिर नहीं? नहीं करूंगा। नहीं करोगे? अगर किया तो? कहा ना तुमसे नहीं करूंगा। तो एक काम करो, अपने बेडरूम में कैमरा लगाओ, मैं पूरी रात देखती रहूंगी। ये क्या कह रही हो, पागल हो गई हो क्या? इसमें क्या है, सोने का मतलब तो सोना ही होता है ना, मैं देखती रहूंगी। दिस इज रबिश, मैं अपनी बीवी के साथ सोऊं तो तुम क्यों देखोगी? वो तुम्हारी वाइफ है। तो मैं कौन हूँ? रवि, रवि, तो मैं कौन हूँ? वो तुम ఒక స్టేట్ మినిస్టర్ని, ఒక సీఎం కూతుర్ని, ఒక మిలియనీర్ని, చివరికి నన్ను పిచ్చిగా మార్చేసావు కదా, బికాస్ ఐ లవ్ యూ. డూ యూ లవ్ మీ? ఎస్. నన్ను నువ్వు లవ్ చేస్తున్నా? नहीं, नहीं, लव जस्ट। हमारे प्यार के बीच फैमिलीज आ रही हैं। क्यों ना उन्हें मारकर हम साथ रह लेते हैं, पर तुम मना कर रहे हो। हम जिंदा रहेंगे तो प्यार नहीं कर पाएंगे, तो क्यों ना मर के प्यार करें। अजय, आई नीड योर हेल्प। क्यों दामाद जी, मर्डर को एक्सीडेंट के नाम से कवर कर दिया। जिस सिक्योरिटी गार्ड ने उसे देखा उसे भी मार दिया, उसकी बीवी का भी मुंह बंद कर दिया, बैंक मैनेजर को भी मैनेज कर लिया, लेकिन एक इंसान को छोड़ दिया। नहीं अंकल, उसी दिन सामने वाले एटीएम से कोई कैश विड्रॉ करने गया था और नोट नकली निकले थे। उसके बाद वो केस बहुत ज्यादा बड़ा हो गया। उसी केस से बाहर निकलने के लिए वो सीसीटीवी फुटेज ढूंढ रहा है। जो करना चाहिए उसे छोड़कर बेकार के काम कर रहे हो। नहीं अंकल, उस पर 2 बार अटैक भी करवाया, लगा था वो डर कर शांत हो जाएगा। ये केस कौन हैंडल कर रहा है? उस एरिया का सब इंस्पेक्टर करीम अंकल। उसे बुलाओ। करीम, गुड इवनिंग सर। क्यों करीम, इतने से केस को इतना बड़ा कर दिया, अब वो लड़का सिर पे चढ़कर बैठा है, दिमाग कहाँ है तुम्हारा? सर, उस दिन शहर में बड़ा ड्रग केस सामने आया था सर, बड़े बड़े लोग उसमें इन्वॉल्व थे सर, हमारे डीजीपी का बेटा भी था, आपके पार्टी वालों के बच्चे भी थे उसमें। इसीलिए उस केस को कवर करने के लिए इस केस को बड़ा कर दिया, अब देखो वो सिर पे चढ़ के नाच रहा है। आई एम सॉरी सर। दिखता कैसा है वो? ठीक है, जाओ तुम। मैंने अजय पर पूरा भरोसा किया था,
ये भूलकर कि मेरे पति हैं, शन को छोड़कर सब बताकर कवा करने के लिए कहा, लेकिन बेटी ताकतवर इंसान की गलती में उससे भी ज्यादा ताकत होनी चाहिए। कमजोर का सच उससे भी भारी होना चाहिए। लेकिन तुमने कमजोर को भी ताकतवर बना दिया। बात यहां तक बढ़ गई इसलिए बोल रहा हूं, शिकार अकेले में नहीं सामूहिक रूप से करना चाहिए, सब तरफ से घेर के। समझ गई बेटी? ये सब जानते हुए भी पुलिस कंप्लेंट क्यों नहीं की? मैं और खतरा नहीं उठा सकती। अब मेरे लिए मेरा बेटा ही मेरी दुनिया है। हमें बहुत धमकी मिली, उन्होंने कहा सबको मार देंगे। हमने अगर किसी भी फोन से कॉल किया तो वो ट्रेस हो जाएगा, लेकिन कॉल तो करना ही पड़ेगा। मेरे पति का मोबाइल है। हेलो कीर्ति, सेफ होना? सेफ नहीं है। तुम ऐसी बेवकूफियां करते रहोगे तो तुम जिनसे प्यार करते हो वो सेफ कैसे रहेंगे? मेरी बात सुनो, उन्हें कुछ मत करना। अगर भाई ने बोला तो अभी इन्हें टपका दूंगा। नहीं नहीं, ऐसा मत करना। तुझे जो भी बोलना है ना कॉन्फ्रेंस पे लगा दो, मैडम से बात कर ले। क्यों, तूने सब देख लिया, सब पता चल गया? तुझे दिखाने वाले को फोन दे। क्यों भूपाल, वो लड़का तो ना समझ है, अपना बुरा भला नहीं समझता। पर तुझे क्या हो गया, अकेले जीना चाहता है? तुझे अपनी फैमिली की कोई फिक्र नहीं है? चालाकी दिखाकर तू तो अपनी मौत से बच गया, लेकिन तेरा परिवार बेचारे पकड़े गए, उन्हें बेरहमी से मार दूंगी। अगर तू अकेले जीना चाहता है तो भाग जा, पर अगर परिवार की सलामती चाहता है तो बता कहाँ छुपा है। मैडम मैडम प्लीज मैडम, मेरी फैमिली को कुछ मत कीजिएगा मैडम। आप जो कहेंगी मैं करूंगा मैडम। भाई भाई भाई, फैमिली का सवाल है, ऐसा मत करो प्लीज, समझो ना। और ये भी तो फैमिली है। हा? मुझे बस अपनी फैमिली को बचाना है, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, प्लीज छोड़ दो, मुझे बात करने दो। मैंने कहा ना मेरी फैमिली का सवाल है, मुझे बात करने दो। सुनो मेरी बात, सुनो मैं कह रहा हूँ ना, होश रहो। नहीं लाओ दो, फोन दो, फोन दो, फोन दो, मैंने कहा ना फोन दो मुझे, दो फोन। मैडम हम सब जुबली हिल्स रोड नंबर 32 में हैं, आप जल्दी किसी को भेजिए। हेलो बोल यार, मुझे अर्जेंटली 6 एम्बुलेंस चाहिए। भाई ये लो। मैडम भूपालम को मिल गया। तुम उसका फोन उससे ले लो। तो अब इनका करूं क्या? खत्म कर दो सबको। मैडम मैडम, मुझे मार देंगी तो पासवर्ड नहीं मिलेगा, समझ लीजिए बात। मैडम फोन ओपन करवा के इसको मार डालूं? नहीं, उस फोन को अनलॉक मत करना। पहले उस विजय का खेल खत्म करो, फिर भोपाल और फोन लेकर यहाँ आओ। ठीक है मैडम, कहाँ है वो? Oh.
चल चल निकल यहाँ से। अबे तू कहाँ जा रहा है? छोड़ो 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 मुझे, हट जाने दो मुझे। क्या कर रहे हो? जाना है। बोलो कहाँ जा रहे हो? उन्हें देख, खिड़की खोल। गाड़ी में डाल इसको। विजय, आखिर क्या है ये सब? ये सबको मार क्यों रहे हैं? कहाँ फंस गए हम लोग? सुनो, मैं जैसे कहूँ वैसे चलाना। जैसा बोले वैसा चलाना। ए, जल्दी भगाना। यूटर्न यूटर्न लेने को। यूटर्न यूटर्न यूटर्न। ए, दूसरे वाले रोड पे ले ले। ए, राइट राइट राइट। लेफ्ट लेफ्ट लेफ्ट। ओवरटेकर ओवरटेकर। रुको जल्दी रुक। लॉक खोल जल्दी। हाँ, जल्दी खोल। ठोक दो इसे। सर सर सर, मैंने तो दे दिया ना सर। चल, चल। प्लीज सर, सर प्लीज। ए, रुको तुम लोग। क्या हुआ बेबी? अजय, इसमें मेमोरी कार्ड ही नहीं है। ड्रामा कर रहा है? सर, सच में उसी में होना चाहिए था सर, मेरा यकीन कीजिए। सॉरी, बता नहीं तो यही ठोक दूंगा। मार दीजिए सर, मार दीजिए, पीछा छूट जाएगा। सच बताओ तो मारेंगे, नहीं बताओ तो भी मारेंगे। सच में मुझे उस एसडी कार्ड के बारे में नहीं पता सर। मारना है तो मार ही दीजिए मुझे। ले जाओ इसे। अजय। हाँ बेबी। वो विजय कहाँ है? अच्छा सुन, अब तक जो वो उसे भूल जा। तेरे लिए एक ऑफर है। तेरी नौकरी तुझे मिल जाएगी। गर्लफ्रेंड से शादी भी हो जाएगी। तेरी पूरी फैमिली जिंदगी भर खुश रहेगी, इतना पैसा मिल सकता है तुझे। जो मेमोरी कार्ड तेरे पास है वो हमारे हवाले कर दे। ज्यादा सोच मत, दिमाग को ज्यादा मत थका, वरना जो कुछ भी बचा है सब खो देगा, समझा? खोने के लिए मेरे पास बचा ही क्या है? ज्यादा से ज्यादा मेरी गर्लफ्रेंड को मारोगे तुम लोग, मेरी फैमिली को मार दोगे, लेकिन सच को नहीं मार पाओगे। मैं खुद अपनी जान देकर भी सच को जिंदा रखूंगा। ए, बकवास बंद कर। अजय, मेरा करियर, अजय, मैं स्टेट की होने वाली सीएम हूँ। मुझे डर लग रहा है, ऐसे में कॉर्पोरेटर भी नहीं बन सकती। अजय प्लीज, कुछ तो करो, कुछ तो करो प्लीज। विजय, ये सब क्या हो रहा है? हम कितनी देर ऐसे ही घूमते रहेंगे? आखिर तू करना क्या चाह रहा है? मम्मी को लेकर आओ। मम्मी, मम्मी कहाँ है? क्या हो गया? साइन करने पुलिस स्टेशन क्यों नहीं आया? बस पहुँचने वाला हूँ सर, पुलिस स्टेशन ले चलो। गाड़ी पुलिस स्टेशन ले लो। विजय, पुलिस स्टेशन। तुम लोग निकलो यहाँ से। नहीं यार विजय, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। नहीं, कोई नहीं आएगा। अरे, अब मुझे खुद सब करना होगा। मेरी परेशानी जहां से शुरू हुई थी वहीं पर खत्म भी होनी चाहिए। कुछ दिन पहले बिना कुछ किए इसी पुलिस स्टेशन में कदम रखना पड़ा था मुझे। अच्छा हुआ तुम आ गए, चलो साइन करो। क्या रे, शाना बन रहा है? देखो मैं ये सब नहीं करना चाहता हूँ, इसलिए कह रहा हूँ चुपचाप अंदर जाओ। अंदर।
हेलो सर। बीबी वो लड़का सोशल मीडिया पर लाइव आ गया है। मेरा नाम विजय है, मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से आता हूँ। अपनी गर्लफ्रेंड के साथ शादी करके खुश रहना चाहता था, लेकिन नकली नोटों के केस में फंसकर मीडिया की वजह से मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया। मेरे पापा ने जो वॉलंटरी रिटायरमेंट लेकर नौकरी दिलवाई थी वो भी मेरे हाथ से निकल गई। मेरे आसपास क्या हो रहा था कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैं यहां वहां भटकता रहा, अब आगे क्या होगा मुझे नहीं पता, लेकिन जो कुछ भी हुआ उसका सच आप सबको मालूम होना चाहिए। आसपास इतना सब हो रहा था मुझे बिल्कुल नहीं पता था। मैं जिससे प्यार करता हूं उसकी जान बचेगी या नहीं यह भी नहीं पता। मेरे मां बाप के साथ कब क्या होगा मैं नहीं जानता, और यह साबित करने के लिए मेरे पास सबूत भी नहीं है। और अब इस बच्चे की जिम्मेदारी भी है, और अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। तो आप बताइए कि मुझे क्या करना चाहिए। मीडिया वाले यहाँ पहुंच चुके हैं। एक तरफ राजनीति है और एक तरफ समाज है, और हर चीज किसी ना किसी वजह से होती है। हर चीज को साबित करना होता है, और बिना किसी सबूत के अगर आप कुछ भी साबित करते हैं तो उसे झूठ ही माना जाएगा। सर वो राजनीति है और ये समाज, क्राइम रेट बढ़ता जा रहा है, और पुलिस बहुत बड़ी साजिश के बारे में पता लगा है। एक महिला पॉलिटिशियन ने एक आदमी को भी सड़क पर गोली मारी। सूत्रों के अनुसार पॉलिटिशियन एक बड़ी पार्टी के सदस्य है। हरियाणा में जांच जारी, आजकल हम आपको अपडेट देते रहेंगे, देखते रहिए। छोड़ दे बच्चे को, और लाइव टेलीकास्ट रोक नहीं तो मार डालूंगा इसे। अरे तुम्हारी बात सुन, छोड़ इसे, क्या छोड़, लाइव टेलीकास्ट रोक, समझा तू? छोड़। जो मेमोरी कार्ड तेरे पास है वो हमारे हवाले कर दे। जो एसडी कार्ड आप ढूंढ रहे थे वो उसे मिल गया है। सर वो वीडियो अपलोड कर रहा है। सर पुलिस स्टेशन में आग लगा दो, पेट्रोल छिड़क कर जला डालो। समझ गया सर। ए अरे सर, हाँ सर, पेट्रोल किस में ला रही है? पेट्रोल किस में ला रही है सर? सर कुछ करिए सर, बताइए ना ये क्या कर रहे हैं लोग। सर कुछ कीजिए, सर कुछ कीजिए ना। अरे माचिस तो है नहीं, लेकर आ। ए, सर, 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 फोन दे, हम फंसे लगे हैं यहाँ से। जैसा कि आप सभी जानते हैं, सवाल उठता है कि क्या हम और आज पूरी जगह के जाने आए कि हम मान भी करते हैं जिस को आप देख रहे हैं हमारे चैनल पर। जैसे ही जवाब चाहिए आप क्या गाड़ी के पीछे के सामने हो सकता है उसमें कोई बैठा हो हमारे कैमरा के सामने इस तरफ कैमरा के मुताबिक। अच्छा सबसे ज्यादा तुम मुझसे प्यार करते हो ना? अपनी जान से भी ज्यादा। तो मेरे साथ चलोगे? चलूंगा। कहीं भी चलोगे ना? ऐसा क्यों बोल रही हो बीबी? मेरे साथ कहीं भी चलोगे ना? यह
ये क्या कर रही हो? ऐसा मत करो। नहीं, मेरी बात सुनो पूर्णवी, ऐसा मत करो। सुनो पूर्णवी, जल्दबाजी मत करो। देखो मैडम ने सुसाइड कर लिया है, जल्दी आओ। ठीक है, आता हूं सर। हाँ भाई, उन्हें छोड़कर यहां आ जाओ। ओके, चलो निकलते हैं। सनसनी केस सच बताने वाले विजय कुमार अभी पुलिस स्टेशन से बाहर आ रहे हैं। आगे की बातें उन्हीं से पूछते हैं। सर 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 कुर्सी का गलत इस्तेमाल करने के केस में एसआई करीम को सस्पेंड करके अरेस्ट किया गया है। एटीएम कैश फिलिंग में गड़बड़ी साबित होने की वजह से मैत्री मनी ट्रांसफर एजेंट्स को वेस्ट जोन डीसीपी ने अरेस्ट किया है और साथ ही साथ नकली नोटों के व्यापार के केस में बैंक मैनेजर रवि वर्मा को भी अरेस्ट किया गया है। All the best.